ऋषि सेवा समिति के अध्यक्ष राघव ऋषि जी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि शिव महापुराण पर बुधवार से तारामंडल स्थित एक निजी लॉन में कथा शुरू किया गया है, जिसका गुरुवार को दूसरा दिन है। राघव ऋषि ने कहा कि जीवन उपयोगी बनाने की आवश्यकता है। योगी बनना, योगी का आवरण धारण करना इतना कठिन नहीं है जितना कि आचरण। ठीक उसी प्रकार योगी बनना कठिन नहीं है बल्कि उपयोगी बनना कठिन है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव का स्वरूप हर जीव के लिए कल्याणदायक है। उन्होंने सभी नागरिकों से शिव पुराण कथा में शामिल होने के लिए अपील किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूज्य राघव ऋषि जी ने कहा, गोरखपुर शाखा के द्वारा और आप लोगों की हर वर्ष सेवा मिलती है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही संतोष का विषय है। यूँ मैं हर स्थानों पे पहले आप लोगों से मिलता हूँ, इसलिए मैं मिल नहीं पाया इसलिए आप लोगों को मैंने याद किया कि आज 12 बजे तो यहाँ के पत्रकार गणमान्य हैं, उनको एक बार उसको मिल लूँ। आप लोग इतनी सेवा करते हैं कथा में, तो मेरा कर्तव्य है कि आप लोगों से एक बार साक्षात करना। कथा का उद्देश्य मनुष्य के जीवन का सर्वांगीण कल्याण और विकास करना, क्योंकि मनुष्य का विकास बिना अनुशासन के, बिना नियम के, बिना सिद्धांतों के नहीं हो पाता है, जो मात्र धर्म से आधारित है, धर्म पर आधारित है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे मानवता, मानव धर्म को विकसित करने के लिए कोई बहुत समीचीन ठोस व्यवस्था नहीं। अगर हमारे आचार्यों ने इस व्यवस्था का दायित्व तो लिया, तो इतिहास हमारे गवाह है कि हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्यों का सारा परिपालन हुआ और परिपालन होकर के आज अनेक, जो अभी 15 अगस्त को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो स्वतंत्रता दिवस मनाने का उद्देश्य क्या था? हमारे सपूतों ने, वीर सपूतों ने इस देश के लिए बलिदान किया, उनके पीछे राष्ट्रधर्म था। राष्ट्रधर्म उत्पन्न होता है धर्म से। धर्म का ये मतलब नहीं कि माला पहनना, माला जपना, तिलक लगाना, यह नहीं। जीवन में जिसके राष्ट्रधर्म है, राष्ट्र प्रेम है, राम प्रेम है, वो सब एक विकास का कल्याण प्रशस्त करता है। हमारी स्वतंत्रता के पहले हमारी इकोनॉमी कितने पीछे थी, आज हमारी इकोनॉमी टेक ऑफ स्टेज से आगे अब प्रभु कृपा से हाई मास कंजम्पशन स्टेज की ओर जा रही है, जो भारत के ही नहीं विश्व के 5 विकसित देशों की इकोनॉमी जो हमारी रन कर रही है, US, UK, फ्रांस, जापान और चाइना। आज हमारी इकोनॉमी इतनी सुंदर विकास की ओर जा रही है, पूरा राष्ट्रीय विकास हो रहा है। कोरोना काल में कितने लोग परेशान थे, लेकिन हमारे भारत में इतनी दिक्कत नहीं आई। अभी एक बहुत बड़ी मंदी की स्थिति आने वाली है, जैसा लोगों ने आकलन किया है, और यह जो मंदी की स्थिति है वो भारत में बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावी नहीं होगी, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं बनी हुई। हाँ, आज के संदर्भ में, आज की जो युग है उसमें धार्मिक शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करें। आज जो हमको शिक्षा दी जा रही है वो केवल एम्प्लॉयमेंट के तहत, रोजगार परक, जीवन परक नहीं। जीवन परक अगर मूल्य हमारे नहीं रहेंगे तो रोजगार परक शिक्षा ही हमारे जीवन के विकास को नहीं कर सकती। तो हमारे जीवन का सर्वांगीण कल्याण हो, विकास हो, इसलिए नौजवानों को, छोटे छोटे बच्चों को
हमको अपने राष्ट्र गौरव को, राष्ट्रीय संस्कृति को धर्म के माध्यम से जोड़ करके आगे बढ़ाने का विकास हमको देना पड़ेगा। इसलिए आज की शिक्षा में, आज के नौजवानों के परिवेश में, आज के बच्चों के परिवेश में धर्म की शिक्षा बहुत ज़्यादा आवश्यक है और मुझे प्रसन्नता हो रही है लोगों में बहुत ज़्यादा अवचेतना आ रही है। थोड़ा सा उदाहरण यहाँ देना चाहूँगा, विगत लगभग 5 वर्ष पहले से मैं कहता आ रहा हूँ शनि की मकर और कुंभ संधि ठीक नहीं होगी। मकर संधि जो 23 जनवरी 2020 से प्रारंभ हुई है, इसकी घोषणा मैंने पहले कर दी थी। आपने देखा कि 23 जनवरी 2020 के बाद कोरोना की स्थिति हुई दूषित और उसके बाद पूरे विश्व में कितनी बड़ी दिक्कत आई। अभी 18 जनवरी 2023 से शनि की जो कुंभ संधि आएगी, जिनके में शनिजन्य दूषण है उनके लिए दूषित होगा, आप देख लेंगे। तो ये सब कहाँ से पता चलता है? ये सब धर्मशास्त्र के नियमों के द्वारा पता चलता है। हमारे साथ कोई ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हम बहुत ज़्यादा तीव्रता से आगे बढ़ें, क्योंकि उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। एकमात्र हमारे पास में जो हमारी संस्कृति है, हमारे मूल्य हैं, हमारे धर्म के सिद्धांत हैं, वो हमारे जीवन का विकास तेजी से करते हैं, जिसके पीछे आज पूरा विश्व, आप पीछे जाने की जरूरत नहीं, पिछले के 10-12-15 वर्षों का इतिहास, 15-20 वर्षों का इतिहास लीजिए, आज के 5-7 वर्षों का इतिहास लीजिए, भारत का मान, भारत का सम्मान, भारत का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाया कि नहीं बढ़ा? एक समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी गई थी, जिस समय अमरीका किस तरह का स्वागत हुआ था, ये हमसे छिपा नहीं है। आज हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, किस तरह का स्वागत होता है, ये भी हमसे छिपा नहीं है। ये क्यों है? ये धर्म के कारण ही हो रहा है। मुख्य उद्देश्य आज जो आप लोगों को मैंने यहाँ हमारे ऋषि सभा समिति ने बुलाया है आप लोगों से मिलने के लिए, 17 से 9 दिवस तक की यहाँ पर श्री शिव महापुराण की कथा आयोजित है, जो कल से प्रारंभ हुई है और लगातार ये आज से 8वें दिन तक चलती रहेगी। उसमें ज्योतिष के सारे कार्य सभी जन सामान्य के लिए होंगे, निःशुल्क होते हैं। साधना से संबंधित सारे कार्य होंगे, जिसमें आबाल वृद्ध नारी उसमें भाग लेते हैं, उसमें अपनी सेवा करते हैं। इन सब के उद्देश्य के कारण आप लोगों को बुलाया कि ये जो धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसमें हम तो कुछ लोगों को कह सकते हैं, आप हमारे प्रतिनिधि के रूप में बहुत लोगों तक अपनी हमारी बात को पहुँचा सकते हैं। धार्मिक संस्कृति देखा जाए विलुप्त होती जा रही है, इसके लिए क्या? ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन अब धर्म के प्रति लोगों में और ख़ासकर नौजवान बहुत ज़्यादा अभी सब बढ़ रही है। आज हमारे नासा के साइंटिस्ट भी भारतीय संस्कृति के माध्यम से भारतीय ज्योतिष को लेकर के आगे बढ़ करके अपने अपने प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोगों में सफल हो रहे हैं। चंद्रयान की विफलता क्यों हुई थी? क्योंकि गलत मुहूर्त में छोड़ा गया था, लेकिन आज हुआ, व्यवस्थित हुई। तो इस नाते आज नासा ने भी इस चीज़ों को स्वीकार किया है। नौजवानों बहुत ज़्यादा क्रेज हो रहा है, बहुत तेज़ गति हो रही है और ख़ासकर अंतरिक्ष विज्ञान के माध्यम से ज्योतिष की तुलना करके इतने अच्छे ढंग से विकास हो रहा है अंतरिक्ष विज्ञान का, उसके पीछे हमारी भारतीय संस्कृति की मर्यादा है और उसमें तेज़ी से लोगों की रुचि बढ़ रही है।